नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल हमने बहुपद का सामान्य परिचय किया था कि बहुपद कहते किसे हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं कि बहुपद कहते किसे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। इसमें एक कौन सी राशि होती है बेटा, चर राशि, और एक कौन सी होती है, अचर राशि। तो चर राशि और अचर राशि के योग घटाव गुणा व भाग के संयोग को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं, बहुपद। बीजीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं जब या यदि पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। और नंबर दो, चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। धनात्मक पूर्णांक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो। अब देखिएगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो और उसे क्या कहते हैं, बहुपद। बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं, बट उसमें कंडीशन क्या होगी, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए और चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। उसके बाद हमने किया बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में नंबर एक हमने किया था पदों के आधार पर, और नंबर दो हमने किया था घात के आधार पर। नंबर एक हमने किया था पदों के आधार पर, नंबर दो किया था घात के आधार पर। अब पदों के आधार पर भी बहुपद के प्रकार कितने थे, तीन, और घात के आधार पर भी बहुपद के प्रकार कितने थे, तीन, जिसमें से नंबर एक आपका था एक पदी, जिसमें कितने पद हो, एक, द्विपदी जिसमें कितने पद हो, दो, त्रिपदी जिसमें पद कितने हो, तीन, वो बहुपद कौन सा कहलाता है, त्रिपदी, जिसमें दो पद हो वो क्या कहलाता है, द्विपदी, और एक पद हो वो क्या कहलाता है, एकपदी। बेटा इनकी परिभाषा मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूँ, आप अच्छे से नोट्स बनाना, फिर भी कोई डाउट आए ना तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, नेक्स्ट क्लास में आते ही वही करवा दूंगा पहले मैं। उसके बाद देखिएगा, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने थे, तीन। नंबर एक था आपका रैखिक बहुपद, नंबर दो था आपका द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद भी बोल सकते हैं, और नंबर तीन था आपका त्रिघाती बहुपद। अब आप देखिए, इनके मैं एग्जांपल भी ले ही लेता हूं, जैसे आ गया आपका 2x, यहाँ आ गया y प्लस 3, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। देखो पद कितने हैं, एक दो तीन त्रिपदी, एक दो द्विपदी, एक पद है तो एक पदी। अब यहाँ देखिएगा 2x प्लस 1, यहाँ चर राशि की उच्चतम घात, घात कौन सी होनी चाहिए, चर राशि की
चर राशि की उच्चतम घात। चर राशि की उच्चतम घात x के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब कितनी है, एक है। तो ये बोलिएगा जिसकी पावर एक हो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। यहां हम घात के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर पदों के आधार पे होता तो ये द्विपदी होता, बट घात के आधार पे कौन सा है, रैखिक बहुपद। और द्विघात में एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये बोलिएगा कौन सा हो गया, द्विघात बहुपद। और ये भी एग्जाम्पल ले ना, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 16। यहां हम पावर देखेंगे बट मैक्सिमम पावर देखेंगे, और मैक्सिमम पावर कितनी है, दो, इसलिए ये क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। उसके बाद आता है बेटा त्रिघाती बहुपद, x की पावर 8, 3 माइनस का 8, बोलिएगा ये कौन सा है, त्रिघाती बहुपद। मतलब x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। ये हम पिछली क्लास में करवा चुके हैं, अब उन आपको अच्छे से करना भी है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1, एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होगी 2.1। उसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद हैं, कौन कौन नहीं है। पहला प्रश्न आपका है, निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद हैं, एक चर के बहुपद हैं और कौन से नहीं है। आपको ये करना है पहले क्वेश्चन में, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ये बताना है कि एक चर का बहुपद है कि नहीं। अब मैं बेटा आपको बहुपद की पता है ना, बहुपद में हमेशा घात क्या होती है, धनात्मक होती है, घात क्या होती है, धनात्मक। कभी भी एक से कम आ जाए, एक से घात कम आ जाए, जैसे कि आपका ऐसे आ गया अंडर रूट एक्स प्लस फोर, बताइएगा यह बहुपद है क्या। पहले तो रूट आ गया ना, रूट का मतलब मैं आपको बता देता हूं, रूट को सोल्व करेंगे ना, रूट का मतलब पावर कितनी होती है, एक बटा दो। रूट का मतलब पावर कितनी होती है, एक बटा दो। एक से कम आ गया ना, क्योंकि इसकी घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, धनात्मक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए एक से कम आ गया तो भी वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं। और आपका पहला क्वेश्चन है, चार एक्स स्क्वायर प्लस, चार एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस सात। सबसे पहले तो आपकी कंडीशन ये रहती है कि आप ये बताएं कि ये बहुपद है कि नहीं। देखो यहां चर राशि कौन सी है, यहां बेटा चर राशि एक्स है, एक्स है तो सीधी सी बात है ये, और एक्स की घात देखिएगा उच्चतम घात कितनी है, दो है। यहां उच्चतम घात दो है ना, इसका मतलब डेफिनेटली ये बहुपद तो है। और कौन सा बहुपद है भाई, मैं ये पूछ लूं कि बताइए यह बहुपद कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे कि एक्स की हाईएस्ट पावर दो होती है ना, तो घात के आधार पे अगर मैं बात करूं ना, तो ये कौन सा हो गया, द्विघाती। कौन सा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद। बट आपका प्रश्न ये है कि एक चर के, बताइएगा अब बताइएगा यहां चर राशि कौन सी है, यहां चर कौन सी है भाई, एक्स। यहां चर कौन सी है, एक्स, एक ही चर राशि है ना एक्स, तो आपका आंसर रहेगा एक्स की सभी घात, एक्स की, एक्स की सभी घात पूर्ण संख्या, एक्स की सभी घात पूर्ण संख्या में है। एक्स ना चर राशि कौन सी है इसमें, एक्स, और एक्स की सभी घात किस में है, पूर्ण संख्या में है। इसमें आपको यह बताना है कि कारण सहित उत्तर देना है, इसलिए एक चर का ये क्या है, बहुपद है। इसलिए
एक चर का बहुपद है। अब मैं दोबारा से आपको अच्छे से समझाऊंगा। आपके पास समीकरण क्या दी गई है, 4x² + 3x + 7, और आपको बताना है कि ये एक चर का बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले तो अपने को ये ज्ञात करना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद की कंडीशन आपको पता है, एक तो क्या है, पदों की संख्या क्या होती है, निश्चित। बट सबसे अच्छा क्या है, उसकी घात क्या होती है, धनात्मक पूर्ण संख्या होती है। अब यहां देखिए x की सभी घात बोलिए क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में है ना, इसलिए ये क्या है, एक चर का बहुपद है। और चर राशि बेटा इसमें कौन सी है, x। चर राशि कौन सी है, x। जैसे कि इसी का दूसरा है y² + √2। अब आपके दिमाग में आया होगा, सर यहां तो √2 है, इसकी पावर 1/2 है, यह बहुपद नहीं है। बट ध्यान रखना बेटा, यहां मैंने अचर पद के बारे में नहीं बोला है, मैंने बोला है चर पद के बारे में। और चर पद आपका कौन सा है, y। और y देखिएगा, चर पद कौन सा है, y। और अगर मैं ये बोल दूं y की घात देखिएगा, धनात्मक पूर्ण संख्या है, मैंने सीधा लिख दिया पूर्ण संख्या एक ही बात है। अब देखिएगा यहां लिखोगे y की घात धनात्मक पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक चर का बहुपद है, एक चर का बहुपद है। ये कौन से, कितने चर है इसमें, एक, और हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। एक चर का बहुपद है। और मैं अगर आपसे प्रश्न करूं कि कौन सा बहुपद है, x की हाईएस्ट पावर 2 है तो द्विघाती बहुपद, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, 3√t + √2 या t√2, ये दिया गया है। अब यहां तो t की पावर 1 है, ठीक है, बट यहां रूट में आ गया ना, और यहां लिखा है मैंने सभी। आपको चर राशि की सभी की घात देखनी पड़ेगी, और सभी की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या। तो बेटा देखो 3, इसको मैं सोल्व करूंगा तो √t को सोल्व किया तो कितना आ गया, 1/2। अब आपके दिमाग में आया कि सर बताएं 1/2 कैसे लिखा, रूट का मतलब 1/2 कैसे होता है। सुनो, आपने √4 को सोल्व करते हो तो कितना आता है, 2 आता है। √4 का मतलब आपका क्या है, 2 × 2, अर्थात 2 की पावर कितनी है, 2। 2 की पावर कितनी है, 2। अब ये रूट के अंदर है ना, रूट को मैं सोल्व करूंगा ना तो 2 की पावर कितनी है, 2। और रूट का अर्थ ही यही होता है कि 1/2, तो 1/2 रखा ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। अब बोलिएगा अच्छे से समझ में आया कि नहीं। अब बेटा यहां +t√2, अब यहां लिखोगे t की घात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चर का बहुपद नहीं है, एक चर का बहुपद नहीं है, या सीधे लिख सकते हो यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है।
इनकी आप परिभाषाएं जो मैंने पिछली क्लास में करवाई है बेटा उनको अच्छे से याद करना। अगर आपको वो समझ में आ गया ना, अब चर राशि देखिएगा, मैंने बताया था ए से लेकर जेड तक होती है, इसमें भी एक चर राशि है, इसमें भी एक चर राशि है, इसमें भी एक चर राशि है राशि चर राशि जरूर है, बट यह है बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या में नहीं है या धनात्मक पूर्ण संख्या में नहीं है, ये प्रश्न है। इनका ये रीजन है बेटा, इसमें दिया गया कारण सहित उत्तर बताइए, ये इसका रीजन है, इन सब का ये क्या है, रीजन है। अब अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं ना, तो आपका चौथा प्रश्न है जैसे कि वाई प्लस में दो बटे में वाई, वाई प्लस में दो बटे में वाई, बताइएगा एक चर का बहुपद है कि नहीं। अब यहां आप देखिएगा, अगर मैं इसको सोल्व करूं ना, आपने एट्थ क्लास में किया था, वाई की पावर वन है ना, ए की पावर एम है, ऊपर जाते ही प्लस से क्या हो जाएगी माइनस, तो ए की पावर क्या होगी माइनस एम। तो इसको सोल्व करूंगा ना मैं, तो वाई प्लस दो इंटू वाई की पावर एक से क्या होगी माइनस एक। अब आप मुझे ये बताएं बेटा, यहां व्यंजक में दूसरे पद की घात क्या है, माइनस है एक है, यहां व्यंजक में दूसरे पद की घात माइनस वन है, इनमें आप व्यंजक भी लिख दीजिएगा, व्यंजक में या व्यंजक में, बीजीय व्यंजक बताया था ना मैंने, व्यंजक में यहां क्या लिखा बेटा, व्यंजक में दूसरे पद की घात माइनस वन है, पहला तो ठीक है, यहां दूसरा ठीक है, पहले पद यहां लिख भी सकते हो, व्यंजक में पहले पद की घात कितनी है एक बटा दो है, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये लिख भी सकते हो या सीधा भी लिख सकते हो, माइनस एक है इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है। अरे भाई पूर्ण संख्या नहीं होगी ना, तो यह एक चर का बहुपद बहुपद नहीं है, पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो एक चर का बहुपद भी नहीं है। बोलिएगा यहां तक अच्छे से समझ में आया कि नहीं। अब इसी का लास्ट देखिएगा, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, x की पावर 10 y की पावर 3 t की पावर 50। अब बेटा प्रश्न क्या है, आपको यह बताना है कि बहुपद है कि नहीं। तो इसमें अगर बात करें तो चर एक चर तो है नहीं, चर राशियां कितनी है तीन, बहुपद तो है निश्चित तौर पे, क्योंकि चर राशियों की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो आप उत्तर लिखोगे यह एक चर का बहुपद नहीं है, एक चर का बहुपद नहीं है। तो है कौन सा, यह बहुपद नहीं है, या ऐसे लिख सकते हो इसमें तीन चर एक्स वाई और टी है, कितने चर का बहुपद है ये, तीन चर राशियों का। बट अपने को प्रश्न में क्या पूछा गया है, एक चर का बहुपद बताना है, एक चर का है कि नहीं है, तो यह है एक चर का बहुपद नहीं है, इसमें चर राशियां कितनी है तीन है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपका प्रश्न था कि आपको व्यंजक दिए गए हैं और बेटा आपको बताना है कि इसमें एक चर के बहुपद है कि नहीं। पहला है आपका चार एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस सात, सबसे पहले चर राशि ढूंढो x और x, x की हाईएस्ट पावर कितनी है दो है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है दो है, उसके बाद कितनी है एक है, तो चर राशियों की घात क्या है बेटा, धनात्मक पूर्णांक संख्या है,
और धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो ये एक चर का बहुपद है। इसके बाद आप देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट दो, यहां चर कौन सा है वाई है और घात कितनी है दो है जो कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये भी क्या होगा एक चर का बहुपद। यहां देखिए पहले पद में अंडर रूट टी है, रूट टी का मतलब पावर एक बटा दो है, एक से कम आगी ना तो यह एक चर का बहुपद है नहीं है। यहां देखिए इसको ऊपर ले जाऊंगा तो वाई की पावर माइनस वन आगी जो कि आपका एक से कम है तो यह भी नहीं है। उसके बाद आप देखिए यहां यहां चर कितने हैं भाई तीन, एक चर का नहीं है कितने चर है इसमें तीन, तो यह तीन चरों का बहुपद है एक चर का बहुपद नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न और करवाता हूं मैं, आपका प्रश्न संख्या है दो, दूसरा प्रश्न बेटा आपका यह है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, गुणांक गुणा प्लस अंक जिससे गुणा हो रहा है, जैसे कि मैंने लिखा टू एक्स स्क्वायर तो बोलो एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है दो से, तो ये इसका क्या है गुणांक। जैसे मैंने यहां लिखा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस में फोर, गुणांक की बात क्या है गुणा, एक्स किससे गुणा हो रहा है तीन से, एक्स स्क्वायर गुणा किससे हो रहा है तीन से, या यहां लिख दूं मैं दो तो बोलो एक्स का गुणांक क्या है दो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तीन। आपका पहला प्रश्न है जैसे कि दो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और प्रश्न में क्या है किसका गुणांक बताना है बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। अब आप मेरे को बताइए एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है, कोई संख्या आगे है ही नहीं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा एक होगा, कितना होगा एक होगा। बेटा मैं ऐसे रखता कि थ्री या थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, तो यहां पूछ लू मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तीन, तो जिससे वह गुणा हो रहा है वह क्या कहलाएगा गुणांक कहलाएगा। आपका दूसरा प्रश्न देखना दो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर तीन, यहां बोलो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, कोई भी संख्या नहीं है तो एक तो आई गया और बीच में आगे साइन किसका है माइनस, तो बोलो एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है माइनस का एक से। बेटा आप ध्यान रखना कभी भी यहां माइनस आ जाए तो माइनस लगा देना चाहिए, तो माइनस के एक से। तीसरा प्रश्न देखना पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, अब देखो मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा हूं, एक्स स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है पाई बटे दो से, तो बोलिएगा इसका गुणांक कितना है पाई बटा दो, आसान है मेरे ख्याल से। अगला प्रश्न देखो अंडर रूट टू एक्स माइनस का वन में बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं बेटा इसमें, नहीं है तो क्या होगा जीरो, गुणांक का मतलब जिससे गुणा हो रहा है, पहले में देखो किससे गुणा हो रहा है एक से और दूसरे में माइनस एक से और इसमें पाई बटा दो से और इसमें एक्स स्क्वायर है भी नहीं तो किससे होगा जीरो से। बेटा मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आप रूटीन से काम किया करो, अगर आप रेगुलर करोगे तो थोड़ा बहुत कहीं भी दिक्कतें आती है तो उसका भी समाधान होगा, बट आप है ना रेगुलर काम करना और किसी बच्चे को कोई डाउट आए ना तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, आपका सॉल्यूशन अगले दिन नहीं आते ही करूंगा पहले, ठीक है थैंक यू और कल करेंगे।